हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आइए बिना वक्त गवाए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। चैप्टर है हमारा क्लास टेंथ का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण की का युग, वैश्वीकरण का युग। तो आइए देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट लाइंस बिना वक्त गवाए। उससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं वीडियो को दोस्तों। तो ये हैं हमारी इंपोर्टेंट डेट लाइन्स, और इन्हें करते हैं रीड और समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17th and 18th century, द एज ऑफ पोट्रोमो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये देख सकते हैं। फिर 1730s, अर्लीस्ट फैक्ट्रीज स्टार्टेड इन इंग्लैंड, और 1764 जेम्स हार्ग्रीव्स इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी, 1771 रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द फर्स्ट कॉटन मिल, 1781 जेम्स वाट पेंटेड द स्टीम इंजन, 1854 फर्स्ट कॉटन मिल सेट अप इन बॉम्बे, 1855 फर्स्ट जूट मिल सेट अप इन बंगाल, 1874 फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल सेट अप इन मद्रास, 1912 जे एंड टाटा सेट अप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील वर्क्स ऑफ इंडिया इन जमशेदपुर, 1917 फर्स्ट इंडियन जूट मिल सेटअप इन कैलिकट। तो उम्मीद है कि आपको ये डेट लाइन्स समझ में आ गई होंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद करके अवश्य जाएं अपने पेपर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।